तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीनस पावर इंफ्रा के स्टॉक के बारे में। जीनस पावर इंफ्रा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने बीच बीच में यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की लेकिन कभी भी यहाँ पर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 5% की यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अगर स्टॉक में यह तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 243 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 247, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 266 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 283 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 300 एंड देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 325-350 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 221 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 212 एंड देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 199 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।